हेलो फ्रेंड्स, मैं दामू और आप देख रहे हैं द मैकेनिक बडी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब भी आप कोई ईमेल सेंड करते हो तो आपको वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं सीसी और बीसीसी। और शायद आपने देखे भी होंगे, तो इस सीसी और बीसीसी का क्या मतलब होता है और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन एक व्यूअर का है, तो फ्रेंड मैं इसे बता करके बस उसका रिप्लाई दे रहा हूँ। और फ्रेंड बात करूँ मैं अपनी, तो मैंने जब अपना पहला ईमेल सेंड किया था आज से 5 से 6 साल पहले, तो मैंने अपने सर से पूछा था, सर ये सीसी और बीसीसी का क्या मतलब होता है। तो मेरे को उन्होंने एक ही जवाब दिया था, तू ज़्यादा मत सोच और टू वाले ऑप्शन में उस ईमेल को टाइप कर दे जिसे तूने सेंड करना है और बस सिंपली सेंड कर दे। तो फ्रेंड शायद उनको भी नहीं पता था, तो मैं अभी बताता हूँ आपको सीसी और बीसीसी का मतलब। तो फ्रेंड सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो फ्रेंड जैसे कि देखिए, आपको टू वाले ऑप्शन में आप सिंपली ईमेल सेंड करते हो, तो यहाँ पे देखिए यह है दामू खान डी के एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, और यहाँ पे ये ईमेल है, मैंने यहाँ पे ऐसे डाल रखा है। तो फ्रेंड जो ईमेल टू वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेंड होगा, तो वही उसकी एक कार्बन कॉपी, इस ईमेल की कार्बन कॉपी उन सारे मतलब कि ईमेल को सेंड हो जाएगी जो आप यहाँ पे सीसी वाले सेक्शन में ईमेल डालते हो। तो फ्रेंड अगर मान लीजिए आपका कोई कॉलेज है या आप कोई कंपनी रन करते हो, तो फ्रेंड आप यहाँ पे अपने एम्प्लॉई या स्टूडेंट को यहाँ पे सारे ईमेल एक बार में सेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे आप कितने भी ईमेल ऐड कर सकते हो, यहाँ पे मैं 2 ईमेल ऐड कर लेता हूँ। और फ्रेंड जो बीसीसी सेक्शन होता है, यहाँ पे ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसलिए क्योंकि फ्रेंड जो टू और सीसी वाले सेक्शन वाले यहाँ पे ईमेल होंगे, उनको ये पता नहीं होगा कि बीसीसी वाले सेक्शन में भी कोई ईमेल है। मतलब कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई कंपनी है और आप उसमें बॉस हैं, तो यहाँ पे बॉस, या अगर कॉलेज में आप प्रिंसिपल हैं, तो उस बंदे का यहाँ पे ईमेल आ जाएगा बॉस का या प्रिंसिपल का, और वो यहाँ पे एम्प्लॉय या स्टूडेंट को ये ईमेल नहीं दिखेगा। लेकिन बीसीसी वाला बंदा देख सकता है कि कितने एम्प्लॉयज को ये ईमेल और ये मतलब कि जो सेंड हो रखी है ये इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं बीसीसी वाले सेक्शन में अपना एक ईमेल डाल देता हूँ, दामू खान। और फ्रेंड यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे इस तरह से इसके बाद सेंड कर सकते हो। और कुछ लोग फ्रेंड इस सीसी वाले सेक्शन का यूज़ इसलिए भी करते हैं कि जब आपका कोई त्यौहार आता है, तो वो एक साथ में ही उन सबको विश कर देते हैं सीसी वाले सेक्शन में सारे ईमेल डाल करके। देखिए अब मैं अपना ईमेल खोल देता हूँ यहाँ से दोबारा से। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल यहाँ पे देखिए खोलने वाला हूँ वही ईमेल। और यहाँ पे मैं अब जो मैंने सीसी वाले सेक्शन में ईमेल डाला था, जैसे कि मैंने यहाँ पे सीसी वाले सेक्शन में ईमेल डाला था, यहाँ पे ये वाला ईमेल डाला था। तो फ्रेंड देखिए ये आ चुका है वो ईमेल। और यहाँ पे सीसी सेक्शन में देखिए आप जैसे ही व्यू डिटेल पे जाएंगे, ये आपको ईमेल मिल चुका है जो कि मैंने वहाँ पे लिखा था। और यहाँ पे आप व्यू डिटेल में जाएंगे तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे टू वाला ऑप्शन भी दिख रहा है, दामू खान डी के, और सीसी वाले ऑप्शन भी दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे आपने जितने भी ईमेल ऐड किए होते हैं वो सारे दिख जाते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन किस किस को सेंड हो रखी है ये दिख जाती। लेकिन फ्रेंड अगर आप मान लीजिए आप इम्प्लॉई हैं या स्टूडेंट हैं, तो आप उस बीसीसी सेक्शन वाले ईमेल को नहीं देख सकते हैं कि ये इसमें बीसीसी भी ऐड हुआ है। मतलब कि आप अगर एक बॉस हैं तो आप ही को पता होगा क्योंकि वो बीसीसी में ईमेल है। तो फ्रेंड अब मैं बीसीसी का यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ जो कि मैंने बीसीसी में डाला था वो ईमेल था ये। तो यहाँ पे ये हो गया ईमेल। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पे वही ईमेल इसको सेंड हुआ है बीसीसी वाले को जो सबको सेंड हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है क्योंकि बीसीसी सेक्शन वाला एक स्पेशल बंदे के लिए होता है, जैसे कि बॉस है या कोई प्रिंसिपल है, और फ्रेंड आप उसको छुपाना चाहते हो। मतलब कि रिसेप्शन वाले बंदे करते हैं कि बॉस का ईमेल वहाँ पे छुपा दिया जाता है, बीसीसी सेक्शन में वो ईमेल मिल रखा है, और बीसीसी सेक्शन वाला यहाँ पे सभी ईमेल को देख सकता है कि कौन कौन से ईमेल्स को यहाँ पे सेंड हो रखी है और कौन कौन से एम्प्लॉय को ये इन्फॉर्मेशन सेंड हो रखी है। और आप उससे झूठ भी नहीं बोल सकते हो कि हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, क्योंकि बीसीसी सेक्शन में यहाँ पे ईमेल है बॉस के पास भी, और उसको पता है कि किसे किसे सेंड हो रखी है। तो बीसीसी का यहाँ पे इस तरह से यूज़ होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वही ईमेल अभी बीसीसी जिसको मैंने यहाँ पे सेंड किया था वही ईमेल यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, और यहाँ पे इसको सारे ईमेल्स के बारे में पता लग रहा है कि किसे किसे इन्फॉर्मेशन सेंड हो रखी है। तो फ्रेंड इस तरह से आप
बीसीसी और सीसी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड कई लोग यहाँ पे त्यौहार के लिए भी यूज़ करते हैं सीसी सेक्शन को। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको बीसीसी और सीसी जो कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी ईमेल होते हैं वो कैसे और इस ऑप्शन का कैसे यूज़ किया जाता है वो पता लग गया होगा। और फ्रेंड आज मेरे शायद यहाँ पर आवाज़ में भी डिफरेंस होगा क्योंकि मेरे को जुकाम है। तो फ्रेंड उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सभी के साथ शेयर करना, और नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।